हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्लेटेड प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग अस्तर पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंच। और विड्थ हम रखेंगे 11 इंच। ये हम 34 साइज का बना रहे हैं। फ्रंट पार्ट में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, बैक साइड में हमने 10.5 इंच ही लिया है। तो गले की लेंथ हम लेंगे 2.5 इंच और शोल्डर लेंगे 3 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच और फ्रंट का गला हम लेंगे 6 इंच। तो यहाँ हम आर्म होल का सेट देंगे और यहाँ गले का सेट देंगे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 3.5 इंच और यहाँ से हमें यहाँ तक 10 इंच पे निशान लगाना है। और जो ये हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है, इसे हम 10 इंच पे यहाँ से जोड़ देंगे और दोनों साइड से आधा इंच इस तरह से हम टक्स लगाएंगे और यहां से यहां तक हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर पर उसकी कटिंग की है। अब हमें इसे ब्लाउज पे कट करना है। तो ये जो बन साइड है, हम इसे इस तरह से बन साइड से ही रखेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से जो अस्तर है उसे इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद जितनी ब्लाउज की लेंथ है, जितनी स्लीव्स की लेंथ है, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से इस पर निशान लगाएंगे हम। और उसके बाद जो मेजरमेंट का ब्लाउज होता है उसका आर्म होल हम इस तरह से नापेंगे शोल्डर से यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं 9 इंच आता है, 9 इंच का डबल आता है 18 इंच। तो यहाँ से हमें इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमने 9 इंच पे निशान लगाया है और इसे हमें इस तरह से जोड़ लेना है। और यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाकर यहाँ से इसे ये पॉइंट को इस तरह से जोड़ देना है।
और फिर यहां से एक इंच पे निशान लगा कर इसे इस तरह से जोड़ना है। फिर उसे इसे कट कर लेना है, तो इसलिए उसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज पे कट करना है, इसे इस तरह से इसकी साइज से कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, तो अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे।
अब हमें इसे जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा काफी ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर से ये व्हाइट पैड इसका नजर आ जाता है, तो हमें इसे अस्तर लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इसे अस्तर लगा लेंगे, तो हम इसके साइज का अस्तर निकाल लेंगे यहाँ से। हमने अस्तर लगाया है, अब हम जब इसके ऊपर से लगाएंगे तो जो व्हाइट कलर था वो नजर नहीं आएगा। तो अब हमें इसे इसके ऊपर से जोड़ना है। तो जो यहाँ से हमने 10 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर और इस साइड से भी 10 इंच पे, तो जो हमने ये निशान लगाया है और ये सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं इस सिलाई से हमें इस तरह से सुई धागे से हमें इसे पैक कर देना है। और जो इसका मिडल पॉइंट है उसे हम इस तरह से लेंगे। और इस तरह से इसे पैक करेंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई है बिल्कुल हमें उस पर ही पैक करना है, ताकि बाकी के कपड़े पर कहीं झोल नहीं पड़ता है। तो इसे हमने पैक कर लिया है। और अब हमें इसे इस पर इस तरह से जोड़ना है। इसे सीधा रखना है और उसके ऊपर से इस तरह से रखना है। और अब हम गले को जोड़ लेंगे। Thank you.
फ्रंट पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब जो हमें हमने बैक पार्ट बनाया है उसे हमें इस तरह से दोनों साइड बराबर कर लेनी है। ब्लाउज में ये स्लीव्स जोड़ देंगे। फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए दोनों साइड आपको इस तरह से लेनी है।